दीमक हो गई, इंसेक्ट हो गए, चूहे वगैरह जल्दी से खा जाते हैं। रेजिस्टेंट ऑफ मोथ, ये इनको इजीली कट नहीं किया जा सकता। एब्जॉर्ब मोर वाटर, टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई, ये वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं इसीलिए देर में सूख पाते हैं। ये इनमें वाजर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है कम होती है इसलिए ये जल्दी से सूख जाते हैं। मे श्रिंक वैन वॉश विद वाटर, इस ये जल्दी से श्रिंक हो जाते हैं जब वाटर के साथ धोया जाते हैं, ये श्रिंक नहीं होते। गेट रिंकल इजीली एंड नीड टू आयरन, ये इन पे रिंकल पड़ जाते हैं जब धोते हैं तो इसीलिए इनमें आयरन की नीड होती है। ये रिंकल रेजिस्टेंस होते हैं, इनमें रिंकल नहीं पड़ते। एक्सपेंसिव एंड नीड हाई मेंटेनेंस, ये एक्सपेंसिव होते हैं, इनको मेंटेन करने के लिए हाई मेंटेनेंस की नीड होती है। ये जल्दी से प्रोवाइड हो जाते हैं और इनमें डू नॉट नीड ऑफ मेंटेनेंस की कोई नीड नहीं होती है। स्पेंडिक्स एक तरह का फाइबर है, ये भी सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, जो कि जेफेन सीवर ने 1958 में वर्जीनिया में फाइंड आउट किया था, बनाया था, ठीक है। स्पेंडिक्स इज़ द एनीग्राम ऑफ द वर्ड एक्सपेंड से लिया गया। ये टेक्सटाइल द सिंथेटिक फाइबर नो जनरली स्पेंडिक्स कम्पोज ऑफ एटलीस्ट 85 सिंथेटिक फाइबर, ये लगभग 85 सिंथेटिक फाइबर को कम्पोज करता है। सच एज ए फाइबर जनरली यूज देयर हाई इलास्टिक प्रॉपर्टी, इलास्टिक प्रॉपर्टी का मतलब है ये स्ट्रेच हो जाता है, स्ट्रेचबिलिटी ज़्यादा होती है इसकी, मेन प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी स्पेंडिक्स फाइबर हैव लो स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी बट हाई इलास्टिसिटी, यानी इसकी डेंसिटी लो होती है, ठीक है, और स्ट्रेंथ भी, लेकिन इलास्टिसिटी ज़्यादा होने की वजह से इसकी डिमांड ज़्यादा है। स्पेंडिक्स कैन बी आयरन सेफली एट द टेम्परेचर बिलो 150 डिग्री सेल्सियस, इसको हम ना भी आयरन करें चलेगा, लेकिन अगर करते भी हो तो 150 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए टेम्परेचर। फाइबर आर रेजिस्टेंस टू वेदर, स्मोक, ऑयल, प्रिस्परेशन एंड डिटर्जेंट, ठीक है। अब आते हैं इसके यूजेस में आएगा। ड्यू टू द इलास्टिसिटी स्पेंडिक्स इज यूज टू मेकिंग स्ट्रेचेबल क्लॉथ सच एज ए स्पोर्ट्स वियर, एक्सरसाइज पैंट, ग्लव्स, साइकिलिंग शॉर्ट्स एसेट्रा, ठीक है। स्पेंडिक्स इज मिक्सड विद अदर फाइबर सच एज ए पॉलीएस्टर, आप सबको पता है जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं पॉलीएस्टर से बने हैं, ठीक है। कॉटन टू मेक स्ट्रेच फैब्रिक सच एज ए डिमेन एंड लेक्रा विच इज़ अ यूज टू द मैन्युफैक्चर स्किनी जीन्स बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है, स्विमिंग सूट्स, लेगिंग एसेट्रा, ठीक है। करेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इनकी करेक्टरिस्टिक क्या, लेस एब्जॉर्ब ऑफ वाटर कम एब्जॉर्ब करते, जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस टू अटैक फ्रॉम इंसेक्ट एंड मोथ, इन पे जल्दी से अटैक नहीं कर सकता एज नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में कम अटैक होता है इंसेक्ट वगैरह का। रेजिस्टेंस ऑफ फ्रॉम रिंकल फ्री होते हैं जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं, ऐसे ही